सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा, अलग है साई पूजा। ओम साई राम। मैं विशेता पठानकोट से साई पूजा चैनल के माध्यम से आज फिर आपके सामने अपना एक एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। साई यानी के सांचा ईश्वर, ऐसा ईश्वर जिसके नमन से ही आपके जन्मों जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा ईश्वर जिसका नाम लेने से ही हमें एक ऐसा सुख की अनुभूति होती है, एक ऐसा हमें सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है जब हम बाबा का नाम लेते हैं। बाबा कहते हैं, व्हेन यू लुक टू मी आई लुक टू यू। जब तुम मुझे देख रहे हो ना तो मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, जब तुम मुझसे बात कर रहे हो मैं भी तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं बाबा के साथ कोई 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं बाबा को रोज़ सुबह भोग लगाती हूँ, परौंठी वगैरह कुछ भी जो भी मेरे घर में सुबह बनता है, और शाम को चाय का भोग लगाती हूँ, और थर्सडे को मैं बाबा को तीनों टाइम का भोग देती हूँ। मेरे घर में बाबा की अखंड जोत चलती है। जब भी मैं बाबा को भोग देती थी तो मैं हमेशा बाबा से एक ही बात बोलती थी कि बाबा, जो भोग मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, क्या आप वो भोग खाते हो? क्या वो भोग आप तक पहुँचता है, या सिर्फ ये मेरा एक भ्रम है कि मैंने आपकी मूर्ति के आगे खाना सर्व किया और बाद में वो मैंने या मेरी फैमिली ने खा लिया? मुझे इस चीज़ का कैसे पता लगेगा कि मेरा साईं मेरा भोग स्वीकार कर रहा है, उस तक वो भोग पहुंच रहा है? ये बात मैं बाबा को रोज़ बोलना, जब भी मैंने सुबह भोग लगाना, शाम को लगाना, जब भी मैंने उनको कुछ भी खिलाना, तो मैंने हमेशा बाबा को ये बात उनको मैंने बोलनी कि खा लो, कभी खा भी लिया करो। ऐसे ही बोलना जैसे एक बच्चा अपने बाप के साथ बात करता है, एक बेटी अपने पिता के साथ बात करती है, भाई के साथ बात करती है, मैं वैसे ही उनके साथ बातें करती हूँ, कभी खा भी लिया करो मेरा खाना, बेइज्जती ना किया करो। हमेशा ऐसे ही मैं उनके साथ बातें करती हूँ जैसे कोई मेरा बहुत अपना है, क्योंकि बाबा के साथ मुझे वो कनेक्शन फील होता है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो ईश्वर है, मैंने कभी उनको एक ईश्वर समझ के उनकी पूजा नहीं की कि हाँ ये भगवान है। सुबह गए मंदिर में, माथा टेका, धूप अगरबत्ती जलाई और बात खत्म हो गई, उसके बाद हम अपनी रूटीन में लगे। नहीं, मेरा और बाबा का ऐसा कनेक्शन नहीं है, मैं बाबा के साथ सारा दिन बातें करती हूँ। मैं कुछ भी करती हूँ ना तो वो मैं बाबा के साथ बात करके ही करती हूँ। जैसे मुझे कुछ करना है, कुछ खाना है, कुछ पीना, बाबा भूख लगी है, चलो आओ खाना खाते हैं, कहीं जाना है, चलो बाबा मार्केट चलते हैं, कुछ भी मैं मतलब लाइफ में करती हूँ तो मैं उनके साथ मेरी कनेक्टिविटी चलती रहती है। मेरा मतलब मेरी ऐसे एक सिस्टम ऐसा बन चुका है उनके साथ। तो मैंने उनको हमेशा यही बोलना कि बाबा, क्या आप मेरा भोग खाते हो, तो मुझे सबूत दो, अगर आप वाकई में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे सबूत दो। और बाबा ने मुझे इस चीज़ का वाकई में सबूत दिया। एक दिन मुझे सपना आया कि यही मैं हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरे घर का मंदिर है और बाबा की मूर्ति है, और मैं बाबा को भोग सर्व कर रही हूँ, और बाबा वो भोग खा रहे हैं। सपने में बाबा के होंठ हिल रहे हैं और वो मैं चम्मच के साथ वो कुछ भी जो खाना उनको खिला रही हूँ वो उनके मुंह के अंदर जा रहा है और बाबा होंठ हिला रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं। ये चीज़ बाबा ने मुझे सपने में आके दिखाई, ये चीज़ कि ये ले, तो इतने सालों से मुझे एक ही बात बोलती थी ना कि बाबा, क्या आप मेरा खाना खाते हो, क्या आप मेरा भोग स्वीकार करते हो, तो ये देख ले मैं तेरा खाना खा रहा हूँ। ईश्वर का हमारे साथ कनेक्ट करने का एक सबसे आसान चीज़ है, वो है सपने। कई बार सपनों में आके ईश्वर हमें संकेत दे देते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें समझा जाते हैं। तो बाबा ने मेरे सपने में आके मेरा खाना खाया और मुझे ये चीज़ बताई, और उन्होंने प्रूव किया कि व्हेन यू लुक टू मी
आई लुक टू यू, जब तुम मुझसे बात करते हो ना तो मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। तुम ये मत समझना कि तुम तस्वीर से बातें कर रहे हो, तुम मुझसे ही बात कर रहे हो। और ये चीज़ उन्होंने मुझे समझाई, मुझे दिखाई, मुझे विजुअलाइज करवाई ये चीज़। ये है मेरा साईं और ये है मेरे साईं की लीला। ओम साईं राम।